हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज मैं यहाँ पहुँचा हूँ TVS के शोरूम में और आज आपको मैं बताऊँगा TVS की अपाचे 204V सिंगल चैनल और ड्यूअल चैनल ABS अब आपके नियरेस्ट शोरूम में आ चुकी है। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं इस बाइक में क्या खासियत है और क्या चेंज किया गया है इस बाइक में। इसका प्राइस, फीचर, स्पेसिफिकेशन सब कुछ आपको इस वीडियो में मैं बताऊँगा। तो इस वीडियो को आप एंड तक आप ज़रूर देखें और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो YouTube में राइडर रचित को सब्सक्राइब करिए और बाइक रिलेटेड वीडियोस जो है आपको कंटिन्यूस मेरे चैनल में लगातार देखने को मिलते रहेंगे। तो चलिए दोस्तों, करते हैं इस वीडियो की शुरुआत। तो दोस्तों, ये है अपाचे TVS की 204V जो अभी आपके नियरेस्ट शोरूम में आ चुकी है। और तो स्टार्ट करते हैं इसके फ्रंट से। तो फ्रंट से अगर आप देखेंगे तो इसमें आपको क्लॉट टाइप का LED हेडलैम्प आपको मिलेगा। आप देख सकते हैं वाइट कलर का जो है, काफ़ी शानदार आपको दिख रहा है। ये हाई बीम है, ये लो बीम है। तो काफ़ी ये सुंदर अरेंजमेंट यहाँ पे आपको फ्रंट से देखने को मिलता है। और फ्रंट में अगर आप देखेंगे तो ये देख सकते हैं TVS की ब्रांडिंग आपको मिलती है, TVS रेसिंग 4 बिलियन सेलिब्रेशंस। यहाँ पर आपको उसका टैग लिखा हुआ मिल जाता है, मतलब 4 मिलियन बाइक्स TVS अपाचे की जो है सेल आउट हो चुकी है। और आज जो हम कलर की बात कर रहे हैं, ये पर्ल वाइट कलर की बात कर रहे हैं। इसमें आपको टोटल 3 कलर मिलते हैं, मैट ब्लू, ग्लॉसी ब्लैक और पर्ल वाइट। मान लेते हैं साइड से इसका व्यू कैसा है। तो ये रहा दोस्तों साइड से इसका व्यू। साइड से व्यू आपको कैसा लग रहा है आप कमेंट करके बताएँ और आपको क्या क्या चेंजेस इसमें महसूस हो रहा है आप हमें ज़रूर बताएँ। और इस बाइक से रिलेटेड आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए है तो आप ज़रूर हमसे बताएँ। तो अगर इसमें और चेंजेस की बात करूँ तो सबसे बड़ा इसमें एडिशन हुआ है राइडिंग मोड्स। इसमें 3 राइडिंग मोड्स ऐड हुए हैं, स्पोर्ट मोड, अर्बन मोड और रेन मोड। तो उसको मैं दिखाऊंगा अभी। और तो साइड से हम इसके बात करें तो साइड्स में आपको इसमें इसका जो इंजन के बारे में शुरुआत करता हूँ, इसका जो इंजन आपको मिलता है ये आपको मिलता है 4-स्ट्रोक ऑयल कूल्ड फ्यूल इंजेक्टेड इंजन मिलता है। ये BS6 गाड़ी की बात की रही है तो BS6 इंजन यहाँ पे आपको मिलता है। इसका इंजन कैपेसिटी है 197.75 cc का और पावर आपको मिलता है, अलग अलग मोड का अलग अलग पावर आपको मिल जाता है। और टॉर्क की बात करें तो टॉर्क आपको मिलता है, वो भी वेरी करेगा क्योंकि अलग मोड हैं, इसमें 3 मोड हैं तो उसी हिसाब से इसका पावर भी अलग अलग मोड में अलग अलग वेरी करेगा। और वो सब नीचे डिस्क्रिप्शन में आप जाके देख सकते हैं और नीचे में शो भी वो कर रहा होगा। और अगर इसमें स्टार्टिंग अगर आप इसकी स्पीड की बात करें तो ये 0 से 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड को गेन कर लेता है 3.9 सेकंड्स में। काफ़ी फास्ट स्पीड यहाँ पे आपको मिलती है। गियर्स की बात करें तो इसमें आपको टोटल मिल जाते हैं 5 गियर और ऑयल कूल्ड इंजन यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है। और अगर फ्रंट सस्पेंशन की बात करें तो फ्रंट में आपको मिलता है टेलीस्कोपिक सस्पेंशन फ्रंट में मिलता है और रियर में आपको मिल जाता है डबल क्रेडल, एक मोनोसॉक सस्पेंशन रियर में आपको मिलता है जो कि रेसिंग पर्पज़ के हिसाब से उसको डिज़ाइन यहाँ पे किया गया है। और इसकी फ्यूल टैंक कैपेसिटी की बात करें फ्रेंड्स तो फ्यूल टैंक आपको मिलता है 12 लीटर का फ्यूल टैंक आपको यहाँ पे मिलता है और मेंटेनेंस फ्री बैटरी यहाँ पर मिलती है 12 वोल्ट की। और इसका जो ग्राउंड क्लियरेंस है 180 mm का ग्राउंड क्लियरेंस आपको मिलता है। तो ये रहा दोस्तों ओवरऑल स्पेसिफिकेशंस। टायर्स की बात करें तो फ्रंट में आपको मिलते हैं 90-90-90-17 के आपको फ्रंट में टायर आपको मिल जाते हैं। रियर टायर आपको मिलता है 130x17 का यूरो ग्रिप का टायर आपको मिल जाता है रियर में। रियर में आपको रेडियल टायर मिल जाता है। और अगर कर्ब वेट की बात करें तो 152 kg का ओवरऑल कर्ब वेट आपको मिलता है। तो ये आपको पर्ल वाइट कलर आपको कैसा लग रहा है ज़रूर आप बताएँ। तो फ्रेंड्स, साइड से हम इस गाड़ी की बात करें तो यहाँ पे आपको देख सकते हैं अपाचे की ब्रांडिंग आपको मिलती है, RTR की ब्रांडिंग आपको मिल जाती है, ड्यूअल टोन फिनिश आपको मिलता है, जो TVS की ब्रांडिंग है, जो उसका TVS का हॉर्स है वो आपको यहाँ पे उसका डिज़ाइन आपको देखने को मिलता है। ड्यूअल टोन कलर काफ़ी शानदार यहाँ पे आपको देख सकते हैं। गाड़ी की इस पोर्शन को ब्लैकआउट यहाँ पे किया गया है। अपाचे की ब्रांडिंग आपको मिलती है, स्टिकरिंग मिल जाती है और साइड से कुछ ऐसा व्यू मिलता है, सारी गार्ड ब्लैकआउट मिलता है और ये आपका फोल्डेबल टाइप का फुट रेस्ट मिलता है। गियर के पोजीशन को भी थोड़ा आगे ही तरफ किया गया है ताकि गाड़ी की ओवरऑल लुक को यहाँ पे अच्छा किया जा सके। और ये साइड से आप देखेंगे तो RT
फ्यूल इंजेक्टेड की ब्रांडिंग आपको मिलती है और ये इंजन प्रोटेक्टर काउल वाइट कलर का यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। कंपनी फिटेड लेग गार्ड मिलता है, इंजन को पूरा ब्लैकआउट यहाँ पे कर दिया गया है। तो साइड से दोस्तों इसका व्यू कैसा लगा ज़रूर आप हमें बताएं। पीछे चलता हूँ, पीछे से आप इसका व्यू देख सकते हैं। पीछे से इसका लुक आपको कैसा लग रहा है ज़रूर आप हमें बताएं। आपको बल्ब टाइप के इंडिकेटर्स आपको यहाँ पे मिलते हैं और ये एग्जॉस्ट है, बॉक्स टाइप का एग्जॉस्ट आपको मिलता है ड्यूअल बैरल के साथ और ये ब्लैकआउट एग्जॉस्ट यहाँ पे आपको मिलता है। और साइड से हम देखेंगे तो RTR 204V की ब्रांडिंग आपको मिलती है, स्टिकरिंग यहाँ पे किया हुआ मिल जाता है। और ये ड्यूअल स्प्लिट सीट आपको मिलती है, स्प्लिट सीट आपको मिलती है राइडर और पिलियन के अलग अलग सीट आपको मिलती है। और ये जो ग्रैब रेल आप देख रहे हैं, एक क्लॉट टाइप का ग्रैब रेल आपको देखने को मिल जाता है। टैंक की तरफ चलें तो टैंक का पोर्शन काफ़ी चौड़ा आपको देखने को मिलता है, उसमें आप जो रेड कलर की स्ट्रिप आप देख सकते हैं काफ़ी शानदार है। फ्यूल टैंक का जो लीड है वो सेंटर में ना हो के थोड़ा उसको साइड किया गया है और काफ़ी अच्छा डिज़ाइन वो मेरे को देखने को लग रहा है। आपको कैसा लगा ये डिज़ाइन आप हमें बताएं। और ये आप देख सकते हैं RTR 200 की ब्रांडिंग आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है। तो साइड से कुछ ऐसा व्यू आप देख सकते हैं। अपाचे की स्टिकरिंग है, TVS का स्टिकर आपको मिलता है और वाइट कलर का इंजन प्रोटेक्टर काउल आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। तो फ्रेंड्स आज जो मैं बात कर रहा हूँ ये ड्यूअल चैनल ABS है, इसमें आपको ड्यूअल चैनल ABS की मैं बात कर रहा हूँ, इसमें सिंगल चैनल ABS भी आता है। तो आप ये देखेंगे तो ये आप देख सकते हैं ABS का रिंग आप देख सकते हैं, TVS रेटिंग की स्टिकरिंग यहाँ पे आपको मिल जाता है, ब्लैकआउट एलॉय व्हील आपको मिल जाता है। टायर के स्पेसिफिकेशंस मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, नहीं देखे हैं तो नीचे में आप देख लीजिए, वो शो कर रहा होगा। ABS की ब्रांडिंग आपको यहाँ पे देख सकते हैं। तो चलते हैं अब इंस्ट्रूमेंट कंसोल की ओर। तो दोस्तों ये रहा इंस्ट्रूमेंट कंसोल, काफ़ी डिटेल्ड इंस्ट्रूमेंट कंसोल आपको मिलता है। फ्यूल लेवल इंडिकेटर आपको मिलता है, टाइमिंग यहाँ पे शो कर रहा है, एवरेज स्पीड यहाँ पे शो कर रहा है और ये देख सकते हैं आप रेन। तो ये मोड की जो मैं बात कर रहा हूँ, टोटल 3 मोड आपको यहाँ पे मिलेंगे। और ये रहा मोड का बटन, यहाँ से उसको आप चेंज कर सकते हैं। ये रेन के बाद आप देख सकते हैं अर्बन मोड हो गया, स्पोर्ट मोड हो गया, ये आप देख लीजिए, रेन मोड, अर्बन मोड और स्पोर्ट मोड। तो ये 3 मोड आपको मिलते हैं, तीनों का क्या क्या फंक्शन है वो आपको मैं सब बता देता हूँ। रेन मोड में क्या होगा, आपकी गाड़ी को स्लिप वगैरह से बचाने के लिए आपके टॉर्क और स्पीड को यहाँ पे वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगा। अर्बन मोड में अगर आपको स्पीड ज़्यादा चाहिए तो वहाँ पे आपको पावर अलग मिलेगा, टॉर्क अलग मिलेगा। और जो स्पोर्ट्स मोड है, स्पोर्ट मोड में भी सेम है, पावर और टॉर्क का फ्लक्चुएशन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। इसी कारण इसमें 3 अलग मोड मिले हैं और ये तीनों मोड फर्स्ट सेगमेंट है, TVS द्वारा लॉन्च किया गया है। और किसी भी कंपनी की बाइक में ये आपको इस प्रकार के 3 मोड एक बाइक में आपको देखने को नहीं मिलेंगे। तो ये फर्स्ट इन सेगमेंट वाली मोड आपको ये यहाँ पे देखने को मिल जाता है। और इंस्ट्रूमेंट कंसोल आपको कैसा लगा, इसमें TVS की ब्रांडिंग है, लो फ्यूल लेवल इंडिकेटर आपको यहाँ पे मिलेगा, ये ABS की ब्रांडिंग आपको मिलती है और ये माल फंक्शन का लाइट है, अगर कुछ प्रॉब्लम आएगा तो ये ब्लिंक करेगा। और ये आपका काफ़ी शानदार और डिटेल्ड लगा मेरे को इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। और अब चलते हैं दोस्तों इसके हैंडल बार में, हैंडल बार में आप देख सकते हैं इंजन किल स्विच आपको मिलता है, ये मोड का बटन है, यहाँ से आप मोड एडजस्ट कर सकते हैं, रेन मोड, ये सब अलग अलग मोड आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। ये सेल्फ स्टार्ट का बटन यहाँ पे आपको मिलता है और ये आप जो ये देख रहे हैं ये क्लच को इसको एडजस्ट भी कर सकते हैं, ये 3 वे एडजस्टेबल आपको यहाँ पे क्लच मिलेगा, ब्रेक को भी आप 3 तरीके से उसको एडजस्ट यहाँ पे कर सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे भी दिया हुआ है, ये पास का बटन यहाँ पे आपको मिलता है, हॉर्न का बटन है और ये आई जो आप देख रहे हैं यहाँ पे आप ब्लूटूथ को अपने मोबाइल से कनेक्ट कर सकते हैं TVS के ऐप के थ्रू। तो काफ़ी ज़्यादा फीचर्स यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे और यहाँ पे आप अपने ऐप के थ्रू इंस्टॉल करके इसमें नेविगेशन भी कनेक्ट कर सकते हैं और रेस टेलीमेट्री आपको यहाँ पे मिलेगी। तो काफ़ी ज़्यादा फीचर्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे, यहाँ पे आपको स्लीपर क्लच भी आपको मिल जाएगा और एक नया सस्पेंशन मिलता है शोवा सस्पेंशन जिसका नाम TVS ने दिया। तो काफ़ी ज़्यादा यूनिक फीचर्स के साथ ये अब आपके नियरेस्ट शोरूम में अवेलेबल है। और आपको इसका व्यू कैसा लगा ज़रूर आप हमें बताएं। आइए जान लेते हैं इसका एग्जॉस्ट साउंड कैसा है। तो फ्रेंड्स अगर इसके प्राइस की बात करें ड्यूअल चैनल ABS की, अपाचे 204V ड्यूअल चैनल ABS की प्राइस आपको पड़ेगी बिलासपुर
छत्तीसगढ़ में 1,57,000 और जो सिंगल चैनल ABS है उसकी प्राइस आपको पड़ेगी 1,50,090 रुपये ऑन रोड प्राइस बिलासपुर छत्तीसगढ़ में। तो कैसा लगा है दोस्तों ये वीडियो आप हमें बताएं, और इस बाइक से रिलेटेड आपको कुछ सवाल हैं आपके मन में तो ज़रूर हमसे पूछें, और आप अपने नियरेस्ट TVS के शोरूम में जाइए, विज़िट करिए, गाड़ी को देखिए और गाड़ी आपको कैसी लगी ज़रूर आप हमें बताएं, और ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर आप हमें बताएं। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।